नमस्कार साथियों, मैं सोनाली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, आने वाली परीक्षाएं हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं और 2022 में नौकरी लेना ही हमारा एक लक्ष्य है। इसलिए इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए हम डेली एमसीक्यूज की सीरीज आपके लिए लाते हैं, जिसमें जीएस और हिंदी की एमसीक्यूज होती है। और आज के वीडियोस में हम हिंदी की एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी विषयों की एमसीक्यू सीरीज मिलती है, जिससे आप आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं और सभी विषयों की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू सीरीज शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सिलेक्शन मेंटर के नाम से हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण का सेकेंड पार्ट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियोज में हम संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी पिछले वीडियोज नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट पे जाके पिछले वीडियोस को चेक करिए और अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। पिछले वीडियोस में हमने विशेषण का पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट को चेक करिए, उसमें पढ़िए। और आज के वीडियोस में हम पार्ट सेकंड का, विशेषण का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण का भेद होगा। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने विशेषण को डिटेल वाइज पढ़ा था। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि विशेषण होते क्या हैं, विशेषण क्या होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्दों को ही, बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जो है वो कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो विशेषण के कुल चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पर जो आपको वाक्य दिया गया है वह ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? मौलिक और यौगिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौलिक और यौगिक जो विशेषण है वो किसी प्रकार के विशेषण नहीं होते हैं। इसमें आपसे पूछा है जो ऐसा है, इसका मतलब किसी ना किसी गुण की बात की जा रही होगी कि वो जो लड़का है या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत खराब है। तो ऐसा लड़का कहीं नहीं देखा, तो ये जो है कैसा है कि इसमें आपसे पूछा है कि जो ऐसा है कैसा होगा, कि जो और ऐसा शब्द है वो किस विशेषण का भेद होगा? तो ये जो है वो सार्वनामिक विशेषण, जिसमें ऐसा जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। ऐसा एक सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। लेकिन ये कैसा है? अब इसमें मौलिक और यौगिक हमसे कभी भी अलग दे के पूछ लिया जाता है, या फिर जब नॉर्मल हम भेद बताते हैं तो सार्वनामिक विशेषण आता है। लेकिन मौलिक वो होते हैं जिसमें यह, वह, ये, वे, ये सब दिया होता है। लेकिन ऐसा और वैसा जब शब्द होते हैं तो वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो ये ऐसा लड़का है, ऐसा शब्द जो है वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, मतलब चार शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें यह बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। भलाई थोड़ा मिठास या फिर स्वयं, इसमें से कौन सा शब्द है जो अपने आप में विशेषण शब्द है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर टू का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसमें जो थोड़ा शब्द है, थोड़ा, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण है। कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन अब परिमाण में हमें पता नहीं है कि जो थोड़ा है वो थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है, तो किसकी बात हो रही है ये हमें नहीं पता है। तो ये जो थोड़ा शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक है, जिसमें निश्चय नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हैं: अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, प्रविशेषण या फिर क्रिया विशेषण। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे जैसे कोई भी आपको अगर वाक्य दिया गया है कि मेरा मेरा बैग या बस्ता, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत लाल है, तो इसमें जो लाल शब्द है वो क्या है? विशेषण है। कैसा है? विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता की बात कर रहा है, और विशेषण में कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। लेकिन ये जो बहुत है, तो विशेषण के पहले आने वाले शब्द या ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं कि जो लाल है वो क्या है? बहुत ज्यादा है या बहुत बहुत है, तो ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण विशेषण शब्द। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं: गुणवाचक विशेषण, मौलिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर विधेय विशेषण। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो विशेष के पहले आने वाले विशेषण हमेशा विधेय विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। विशेष के पहले आने वाले विशेषण हमेशा विधेय विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब विशेषण क्या होते हैं? जिसमें गुण हो, परिमाण हो, संख्या हो या फिर सर्वनाम शब्द हो। लेकिन विशेष क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनकी बात की जा रही हो वो विशेष कहलाते हैं। विशेष कहलाते हैं ऐसे ऐसे शब्द शब्द जिनकी बात की जा रही हो, जिनकी बात की जा रही हो, बात की जा रही हो, जा रही हो। राम का घर बहुत बड़ा है, राम का घर बहुत बड़ा है, तो जो घर है वो क्या होगा? विशेष होगा, क्योंकि विशेषता बताई किसकी जा रही है? विशेष की। तो जब भी विशेष के पहले विशेषण आते हैं तो बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाते हैं? विधेय विशेषण हो जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची और परिमाणवाची जो है वो इंक्लूड करके आपसे कभी कभी अलग अलग पूछा जाता है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे शब्द जो कि निश्चितता का बोध करा रहे हो, उसमें निश्चित पता हो रहा हो, वो निश्चित होते हैं और अनिश्चित होते हैं। वैसे तो पर्टिकुलर इनके कोई भेद नहीं है, लेकिन परीक्षा में हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये निश्चित है
या अनिश्चित हैं। अगर परिमाण में उनकी क्वांटिटी दी हुई है तो फिर वो निश्चित होते हैं, क्वांटिटी नहीं दी हुई है तो फिर वो अनिश्चित होते हैं, और ऐसा ही संख्यावाचक में भी होता है। लेकिन जो संख्यावाची होते हैं उसमें काउंटेबल थिंग्स आती हैं, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक में अनकाउंटेबल थिंग्स आती हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। तेल, पानी, दूध, जूस, ये सारी चीज़ें परिमाणवाचक में आती हैं। किसमें आती हैं? परिमाणवाचक। तो संख्या और परिमाण में कन्फ्यूज नहीं होना है कि संख्यावाचक में भी आते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और परिमाण में अनकाउंटेबल थिंग्स आती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ हैं लेकिन पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं क्या इनको हम परिमाण में रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। तो ये किस में आते हैं? संख्या कितनी है बच्चों की यह भी नहीं पता है, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है। ये जो दूसरा शब्द है वो कौन सा भेद होगा इसमें? तो दूसरा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना है कि जो दूसरा शब्द है वो कौन सा विशेषण होगा। तो जो दूसरा शब्द दिया गया है इसमें दूसरा, तीसरा, पहला, इस तरह का कोई भी शब्द दिए जाते हैं तो ये एक क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रम चल रहा है। तो इस जब भी कहीं पर ऐसे शब्द आते हैं दूसरा, तीसरा, पांचवा, दसवां, ये सभी आते हैं किसमें? क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। कैसे होते हैं? क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये सभी में आते हैं, क्रम से आ रहे हैं, इसलिए ये क्रमवाचक विशेषण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि राम बहुत होशियार है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा। राम बहुत होशियार है, इसमें जो बहुत है ये आपको बताना है कि जो बहुत है वो रेखांकित है, इस रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा। बहुत जो है वो प्राविशेषण है, विधेय विशेषण है, विशेषण है, या फिर अनिश्चित गुणवाचक विशेषण है। अनिश्चित गुणवाचक विशेषण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुणवाचक में अनिश्चित जैसा कोई भी शब्द नहीं लगता। ये जो अनिश्चित है वो सिर्फ दो के लिए लगता है, या तो वो परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, या फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक या संख्यावाची विशेषण होता है। इसमें आपको बताना है कि जो बहुत है, तो अभी अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम की भी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, क्या? विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो प्राविशेषण कहलाते हैं। तो वो होशियार तो है, लेकिन होशियार भी कितना? बहुत होशियार। कितना? बहुत होशियार है। इसलिए जो बहुत शब्द है वो कैसा होगा? प्राविशेषण होगा। कैसा होगा? प्राविशेषण होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो बहुत शब्द है वो प्राविशेषण होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमको दिया है कि ईमानदार शब्द में विशेषण का कौन सा भेद होगा। ईमानदार एक शब्द दिया है, इसमें बताना है कि विशेषण का कौन सा भेद होगा। सार्वनामिक विशेषण, प्राविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईमानदार शब्द जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं आया है, सर्वनाम शब्द नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर ईमानदार जो है उसके पहले कोई भी प्राविशेषण नहीं लगा हुआ है, तो प्राविशेषण भी नहीं होगा। परिमाण जैसा कुछ भी नहीं है, नापने तोलने की कोई बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ईमानदार जो है वो एक तरह का गुण है। क्या है?
गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है और हम सभी को ईमानदार ही बनना चाहिए। चाहे नौकरी लगने के बाद भी हमसे किसी भी तरह के कोई भी डिस्कशन हो, हर चीज कैसे करनी चाहिए, ईमानदारी से। और जो ईमानदार है वो कैसा है, गुणवाचक विशेषण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर चार क्लूज लिखे गए हैं, चार वाक्य दिए गए हैं आपको, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। संज्ञा की विशेषता बताता है, अर्थ सीमित करता है, संख्या का बोध कराता है, उपयुक्त सभी सत्य है, या फिर ये बताना है कि सभी सही है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हम सभी जानते हैं कि विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताता है। राम की शर्ट लाल है तो इसका मतलब कि किसकी बात हो रही है, विशेषता बता रहा है संज्ञा की। अर्थ सीमित भी करता है और संख्याओं का भी बोध कराता है, संख्याएं निश्चित हैं या अनिश्चित, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका मतलब ये सभी कथन जो विशेषण के लिए कहे गए हैं वो सभी कैसे हैं, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि चारों लड़के बदमाश हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा, कौन सा यहाँ पे शब्द नहीं यहाँ पे विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण। जो चारों शब्द है रेखांकित, ये जो चारों है, चारों, ये चारों शब्द कैसा शब्द है, कैसा विशेषण है, आवृत्ति बोधक विशेषण, क्रम बोधक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण या फिर समुदाय बोधक विशेषण। आप जल्दी से बताइए कि चारों शब्द से हमें कैसा लग रहा है कि ये कौन से विशेषण का भेद होगा। तो हमने देखा पिछले प्रश्न में कि जब भी हमसे पहला, दूसरा, सातवां इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये क्रमवाचक विशेषण या क्रमबोधक विशेषण होता है। कैसा होता है, क्रमबोधक विशेषण में आता है। लेकिन यहाँ पे पहला दूसरा तो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि चारों, इसका मतलब चारों का एक समूह होगा ना, चारों का एक ग्रुप होगा और इन चारों की बात की जा रही है, हमें किसी के भी नाम अलग से नहीं बताए गए हैं। तो चारों जो है वो क्या है, एक आवृत्ति है, क्रम है, समुच्चय है या फिर समुदाय है। जल्दी से बताइए कि क्या होगा, चारों शब्द किसमें जाएगा, कौन सा विशेषण होगा। तो यहाँ चारों शब्द जो है वो समुदाय बोधक, समुदाय नहीं यहाँ पे समुदाय बोधक, समुदाय बोधक विशेषण, यहाँ पे एक समुदाय है, एक समूह बन रहा है, इसलिए जो चारों शब्द है वो समुदाय बोधक विशेषण का ही एक उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण क्या सुगंधित जो है वही गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ढाई जो है वो परिमाणवाचक का उदाहरण है, कोई संख्यावाचक का उदाहरण है या फिर वह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसमें कह रहे हैं कोई एक ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, मतलब वो सही नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा तीन सही है लेकिन एक सही नहीं है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो जो इसमें प्रश्न पूछा है हमसे कि विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं जिसमें सुगंधित गुणवाचक विशेषण है, पढ़ाई परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण कोई है या फिर सार्वनामिक विशेषण वह, इसमें कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है जो सही नहीं है। अब जो इसमें देखा है कि सुगंधित है वो गुणवाचक का ही एक उदाहरण है, ढाई संख्या जो है वो कोई कोई है लेकिन संख्या पता नहीं है कि वो निश्चित संख्यावाचक है फिर अनिश्चित, तो वो संख्यावाचक में ही आ सकता है। वह जो है वो सार्वनामिक है लेकिन जो ढाई है इसे फिक्स है कि हम ढाई की ही बात कर रहे हैं, ना ही ढाई से कम है ना ज़्यादा, तो ढाई जो है वो परिमाणवाचक में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, संख्यावाचक में जाएगा, किस में जाएगा, संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, क्योंकि जो ढाई शब्द है वो परिमाणवाचक में नहीं जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अक्षय अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो सही नहीं लिखा है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है कि कविता परिश्रमी युवती है, ये बिल्कुल सही वाक्य लिखा है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। और वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। लेकिन यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, अस्पताल सरकारी महिलाओं का नहीं होता है। किसका? सरकारी महिलाओं का नहीं होता है, ये महिलाओं का सरकारी होता है। क्या होता है? महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, काम सरकारी अस्पताल, सरकारी महिलाओं का अस्पताल, ये कोई भी वाक्य नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमें मार्क करना होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, गलत विशेषण का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, समुदाय है, आवृत्ति है, पुनरुक्ति है, या फिर क्रम बोधक है। पुनरुक्ति में जैसा हम देखते हैं कि पुनरावृत्ति हो रही होती है, सभी को दो दो चॉकलेट दे दो, दो दो, तो यहाँ पर क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति होती है। अब इसमें जो दोनों है, जैसा हमने पिछले उदाहरण में देखा कि चारों दिया गया था एक शब्द, तो यहाँ पर चारों की तरह ही एक शब्द दिया गया है जिसमें दोनों दिया गया है, और ये दोनों जो है वो समुदाय बोधक का ही उदाहरण है। क्या है? समुदाय बोधक का मतलब दोनों एक समूह बन गए हैं और समूह की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि यहाँ पर समुदाय से संबंधित एक शब्द है जिसका जिसमें दोनों दिया गया है, और दोनों ही किसमें आएंगे? समुदाय में आएंगे। आवृत्ति में क्या होता है कि कभी भी अलग अलग तरह के उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह के शब्द होते हैं, क्रम में पहला दूसरा तीसरा होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य चुनिए। क्या चुनिए? विशेष्य चुनिए, आकाशी, आराध्य, आश्रित, या फिर आकाश। कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेष्य है? विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेष्य होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। तो जो आकाश शब्द है वो क्या है? विशेष होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आकाश हम कभी कभी लिख देते हैं कि आकाश नीला आकाश है। कैसा है? नीला आकाश है। तो आकाश की हमने क्या विशेषता बताई कि आकाश कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला। और हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वही क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। और जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाती है। नीला जो होगा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था क्या है। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था क्या है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, या इनमें से कोई नहीं। ये क्या होता है? चलिए से बताइए उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसमें बताइए कि कौन सा ये आया हुआ है प्रश्न, इसलिए मैंने इस सीरीज में रखा है कि उच्चतर तुलनात्मक। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हमसे अगर उच्चतर पूछ रहा है कि हम सबसे हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। और उच्चतर जो है, उच्चतर तुलनात्मक मतलब तुलना की जा रही हो, लेकिन किसकी? उच्चतर व्यक्तियों की, उच्चतर वस्तुओं की। तो ये हमेशा उत्तमावस्था में आता है। किसमें आता है? उत्तमावस्था। क्वेश्चन
15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें उच्चतर तुलनात्मक विशेषण पूछा है तो इसकी अवस्था उत्तमावस्था होती है। क्या होती है? उत्तमावस्था होती है। आते हैं अगले प्रश्न में, सवा और ढाई कौन से विशेषण है? सवा और ढाई कौन से विशेषण है? कौन से विशेषण है? कौन से विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक या फिर क्रमवाचक विशेषण। अगर हमसे यहाँ पे दिया होता कि यहाँ पे सवा पांच या सवा चार इस तरह के शब्द दिए होते तो फिर ये संख्यावाचक में आते और निश्चित संख्यावाचक होते, क्योंकि यहाँ पे हमसे जो भी डिजिट दी होती वो फिक्स होती। लेकिन अब इसमें यहाँ जो दिया जा रहा है कि सवा और ढाई ये कैसे हैं, लेकिन हमें इनके साथ कोई भी डिजिट नहीं दी गई है, ये सिर्फ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, और जब भी कभी ये शब्द अकेले और इनके साथ कोई भी डिजिट नहीं हो तो वो अपूर्णांक में आते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी पूर्णांक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही सवा पाँच है, ना ही सवा पांच के बाद कोई भी डिजिट दी गई है, कोई भी संख्या नहीं है। अगर संख्या दी हुई होती सवा पांच सवा छह तो ये संख्यावाचक में आते, लेकिन संख्याएं नहीं दी गई हैं, इनके साथ कोई भी पूर्णांक नहीं दिया गया है, इसलिए ये अपूर्णांक बोधक में आएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पर अधिक होगा अधिक, अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामी विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर तुलनावाची विशेषण। इस वाक्य से आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इसमें राम की श्याम से तुलना की गई है, राम की श्याम से तुलना की गई है। और जब भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, ऐसी जगह पे तुलनावाची विशेषण होता है। क्या होता है? तुलनावाची विशेषण। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें तुलनावाची विशेषण ही बिल्कुल सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। इस वाक्य में कौन सा प्राविशेषण होगा? प्राविशेषण होगा। इस वाक्य में कौन सा प्राविशेषण होगा? तो पिछले प्रश्न में हमने देखा कि प्राविशेषण होते क्या हैं, प्राविशेषण क्या होते हैं, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, किसकी? विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, की भी विशेषता बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण। अब पानी मीठा तो है, मीठा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। लेकिन कितना मीठा? बहुत मीठा। कितना मीठा? बहुत मीठा बात हो रही है, तो जो बहुत शब्द है वो प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें बहुत शब्द प्राविशेषण का ही उदाहरण है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है। निम्नलिखित वाक्य में विशेष कौन सा होगा? और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेष क्या होते हैं, जिनकी बात की जा रही हो, जिनकी बात की जा रही हो, वही क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। जिनकी बात की जा रही हो, की जा रही हो, जिनकी बात की जा रही हो, वही क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। इसमें बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेष कौन सा है? श्रेष्ठ, उपासक, वह या है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उपासक शब्द जो है, उपासक वो कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? उपासक की। उपासक की बात हो रही है, लेकिन उपासक कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ उनका गुण हो जाएगा, मतलब गुणवाचक विशेषण। लेकिन हमसे विशेषण नहीं पूछा है, विशेष पूछा है। जो उपासक शब्द है वो विशेष होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उपासक शब्द क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। आते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सज्जन, सुकुमार, दुर्जन या फिर मानस। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा?
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सज्जन, सुकुमार और दर्जन इन तीनों में ही गुणों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है कि वह व्यक्ति बहुत सज्जन है, वह व्यक्ति बहुत सुकुमार है या वह व्यक्ति बहुत दुर्जन है, ये सभी किसकी किसकी बात कर रहे हैं, किसी न किसी गुण की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है। लेकिन जो मानस शब्द है वो किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो ये विशेषण शब्द नहीं है, ये संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। हमसे पूछा है कि विशेषण कौन सा नहीं है, तो मानस शब्द विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो मानस शब्द है वो विशेषण नहीं है। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सज्जन, सुकुमार और दुर्जन, ये सभी विशेषण होंगे। तो आशा है आज की एमसीक्यू सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए और सभी विषयों की एमसीक्यू सीरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप सभी के लिए लाए जा सके। ऊपर हमारा ये कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जिसपे कॉल या मैसेज करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।